आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड उनके डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेचुरल किलर सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किलिंग ऑफ वायरस इंफेक्टेड सेल्स। सो देखिए, जो वायरस इंफेक्टेड सेल्स हैं इनको किल करने का काम नेचुरल किलर सेल्स करते हैं। अब ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ये वायरस इंफेक्टेड सेल्स का किलिंग ये करते हैं साइटोटॉक्सिक किलिंग एंड इसमें परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स मेडिएटेड किलिंग ये नेचुरल किलर सेल्स करते हैं। तो अगर हम नेचुरल किलर सेल्स को देखें तो देखिए ये नेचुरल किलर सेल्स इस तरह से दिखते हैं एंड ये एनके सेल्स का दिस इज द डायग्राम कि जिसे नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड इन ग्रैन्यूल्स में परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज नेचुरल किलर सेल जो होती है ये नेचुरल किलर सेल्स अलग अलग वे से वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल करती है। अब देखो सबसे फर्स्ट कि नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्रेस करती है एक रिसेप्टर, इसे एफसी रिसेप्टर बोलते हैं एंड ये जो एफसी रिसेप्टर है ये है CD16 FcγR3। तो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक एफसी रिसेप्टर होता है जो आईजीजी एंटीबॉडी के लिए होता है। तो आईजीजी एंटीबॉडी नेचुरल किलर सेल्स को बाइंड होते हैं एंड आईजीजी एंटीबॉडी जैसे नेचुरल किलर सेल को बाइंड होगी तो वो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं एंड फिर नेचुरल किलर सेल्स जो है वो रोल प्ले करते इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ना देखिए जो नेचुरल किलर सेल्स है इनका अगर हम रोल देखें तो यहाँ पे सो नेचुरल किलर सेल्स का अगर हम रोल देखें तो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर जो एफसी रिसेप्टर होता है एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीजी एंटीबॉडी ये आईजीजी एंटीबॉडी को बाइंड होता है एंड आईजीजी एंटीबॉडी एडीसीसी को एक्टिवेट करते हैं। इसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। सो देखिए एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में यहाँ पे एंटीबॉडी को इन्वॉल्व किया जाता है और आईजीजी एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिवेट हो रही है, इसलिए इसे एडीसीसी बोलते हैं एंड एडीसीसी में वायरस इंफेक्टेड सेल्स को नेचुरल किलर सेल्स किल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नेचुरल किलर सेल्स एडीसीसी करते कैसे? तो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। यहां पे होता यह है कि जब भी कभी कोई वायरस इंफेक्टेड सेल होती है तो वायरस इंफेक्टेड सेल्स अपने सरफेस के ऊपर कुछ वायरस स्पेसिफिक एंटीजेंस को एक्सप्रेस करती है। तो ये वायरस स्पेसिफिक एंटीजेंस है। अब जैसे ही यहाँ पे वायरस स्पेसिफिक एंटीजेंस का एक्सप्रेशन होता है ये वायरस के ऊपर वायरस इंफेक्टेड सेल्स पे वायरस स्पेसिफिक एंटीजन का एक्सप्रेशन हुआ, जैसे ही वायरस स्पेसिफिक एंटीजन एक्सप्रेस हुआ तो यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट एंड आईजीजी एंटीबॉडी जैसे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ये आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड होते हैं वायरस स्पेसिफिक एंटीजन को। तो ये अल्टर्ड जो एंटीजेंस होते जो कि वायरस इंफेक्टेड सेल्स पे एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी बनी है और ये आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड टू द वायरस स्पेसिफिक एंटीजन एंड सेम टाइम पे आईजीजी एंटीबॉडी एफसी रिसेप्टर से एनके सेल को बाइंड होते हैं क्योंकि एनके सेल्स के ऊपर CD16 होता है एंड इसलिए FcγR3 रिसेप्टर को ये आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड होते हैं। अब देखो वायरस इंफेक्टेड सेल्स के ऊपर जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसके अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी बनी है और वो आईजीजी एंटीबॉडी एक तरफ से एनके सेल को बाइंड है और दूसरे तरफ से वायरस इंफेक्टेड सेल्स को बाइंड है एंड इस वजह से जैसे ही आईजीजी एंटीबॉडी विथ वायरस इंफेक्टेड सेल एनके सेल को बाइंड होती है एनके सेल्स का स्टिम्युलेशन होता है और एनके सेल्स को यह सिग्नल दिया जाता है कि ये आगे की सेल जो है वो वायरस इंफेक्टेड है, इसको किल करो। तो आईजीजी एंटीबॉडी खुद बोल रही है एनके सेल को कि ये वायरस इंफेक्टेड है, इसको मारो। तो एनके सेल एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होके एनके सेल वो डीग्रेन्युलेशन मतलब परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। तो देखो सारे एनके सेल्स में से जो परफोरिन ग्रैन एंजाइम्स है वायरस इंफेक्टेड सेल्स के ऊपर रिलीज किए जाते हैं। जैसे ही वायरस इंफेक्टेड सेल्स पे रिलीज होते परफोरिन्स ये प्रोटीन्स होते जो पोर फॉर्मेशन करते, तो यहाँ पे परफोरिन्स आते और परफोरिन्स यहाँ पे पोर्स फॉर्मेशन करते। सो देखो यहाँ पे पोर फॉर्मेशन होता है और ग्रैन एंजाइम्स आते और ग्रैन एंजाइम्स यहाँ पे परफोरिन्स के पोर से अंदर चले जाते। तो देखो परफोरिन्स पोर्स बने और परफोरिन्स के पोर्स बनने के बाद ग्रैन एंजाइम्स अंदर चले गए। जैसे ही ग्रैन एंजाइम्स अंदर जाते हैं, ग्रैन एंजाइम्स अंदर जाके एपोप्टोसिस का एक्टिवेशन करते हैं, मतलब वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल किया जाता है। तो इस मैकेनिज्म को एडीसीसी बोला जाता है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में किलिंग ऑफ वायरस इंफेक्टेड सेल बाय एनके सेल, कि एनके सेल वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल कर रही है बाय साइटोटॉक्सिन दैट इज द परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स, कि परफोरिन्स ग्रैन एंजाइम मेडिएटेड ये किलिंग किया जाता है। तो इसलिए यहां पे बस इतना याद रखना है कि वायरस इंफेक्टेड सेल्स पे कुछ अल्टर्ड एंटीजन का एक्सप्रेशन होता है जिसे वायरस स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, एंड उन वायरस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, एंड ये आईजीजी एंटीबॉडी एक तरफ से वायरस इंफेक्टेड सेल को बाइंड है और दूसरे तरफ से एफसी रिसेप्टर से एनके सेल्स को बाइंड होते हैं, एंड जब वो एनके सेल्स को बाइंड होते हैं एनके सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एनके सेल्स परफोरिन ग्रैन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, परफोरिन ग्रैन एंजाइम्स परफोरिन्स पोर फॉर्मेशन करते हैं वायरस इंफेक्टेड सेल्स पे और ग्रैन एंजाइम्स अंदर चले जाते हैं और ग्रैन एंजाइम्स एपोप्टोसिस एक्टिवेट करते हैं। एंड इस वजह से यहाँ पे जो वायरस इंफेक्टेड सेल्स है ये वायरस इंफेक्टेड सेल्स किल हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये तो हुआ एंटीबॉडी डिपेंडेंट, कि अगर आईजीजी एंटीबॉडी हुई तो आईजीजी एंटीबॉडी एडीसीसी एक्टिवेट कर सकती है और नेचुरल किलर सेल्स की हेल्प लेके आईजीजी एंटीबॉडी वायरस इंफेक्टेड सेल को किल कर सकती है। अब दूसरा वे है कि क्या नेचुरल किलर सेल खुद वायरस इंफेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या एंड किल कर सकते हैं क्या? तो यस, नेचुरल किलर सेल्स के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो भी वायरस इंफेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करके किल कर सकते। अब कैसे? अब देखिए, तो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो देखो, नेचुरल किलर सेल जो होते हैं ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, हमेशा हमारे बॉडी में सेल्स को चेक करते रहते कि सेल्स नॉर्मल है या वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो सपोज कोई नॉर्मल सेल है एंड नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है एंड नॉर्मल सेल्स नॉर्मल है या नहीं ये चेक करने के लिए एनके सेल आई। अब एनके सेल आई और एनके सेल ने नॉर्मल सेल्स को चेक करना स्टार्ट किया। अब चेकिंग कैसे होगा? तो एनके सेल्स के ऊपर एक इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं और एक एक्टिवेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स पे एमएचसी क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड जो एक्टिवेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो लिगेंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देखो, नॉर्मल सेल्स पे नॉर्मल एमएचसी क्लास 1 एक्सप्रेशन होता है और नॉर्मल लिगेंड प्रेजेंट होता है। जब MHC क्लास 1 नॉर्मल है तो MHC क्लास 1 को इनहिबिटरी रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है, एंड जब लिगेंड नॉर्मल है तो लिगेंड को एक्टिवेटरी रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है। एक्टिवेटरी रिसेप्टर से एनके सेल्स को पॉजिटिव सिग्नल जाता है एक्टिवेशन के लिए, और इनहिबिटरी रिसेप्टर से MHC क्लास 1 प्रेजेंट इसलिए नेगेटिव सिग्नल जाता है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होता है, एंड न्यूट्रलाइज होने की वजह से एनके सेल्स यहाँ पे किलिंग नहीं करती। जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहां पे नॉर्मल सेल्स का कभी किलिंग नहीं होगा। एंड ये सही बात है कि एनके सेल्स ने नॉर्मल सेल्स को कभी किल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल एमएचसी क्लास 1 को एक्सप्रेस करिए, इसीलिए हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका कभी किलिंग नहीं होता। बट सपोज कोई वायरस इंफेक्टेड सेल अगर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में तो होता क्या है, वायरस इंफेक्टेड सेल्स एमएचसी क्लास 1 को डाउन रेगुलेट करते हैं। वायरस बहुत चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, एंड इसलिए वायरसेस क्या करते हैं, एमएचसी क्लास 1 को डाउन रेगुलेट करते हैं, एंड जैसे एमएचसी क्लास 1 का डाउन रेगुलेशन होता है एक्सप्रेशन ही नहीं किया जाता। तो होता यह है, अगर ऐसे वायरस इंफेक्टेड सेल को अगर एनके सेल आके बाइंड होती है और एनके सेल रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप देखिए एनके सेल्स के ऊपर एक्टिवेटरी रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है, और वायरस इंफेक्टेड सेल्स के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट है, एमएचसी क्लास 1 एब्सेंट है। अब यहाँ पे MHC क्लास 1 एब्सेंट है तो इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इनहिबिटरी रिसेप्टर से सिग्नल नहीं जाएगा, बट लिगेंड प्रेजेंट है तो लिगेंड से एक्टिवेटरी रिसेप्टर का सिग्नल जाता है, एंड जहां पे एक्टिवेटरी सिग्नल गया कि एनके सेल्स को एक्टिवेट हो जाओ तो वहां पे एनके सेल्स एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे भी एनके सेल्स परफोरिन ग्रैन एंजाइम रिलीज करते और परफोरिन ग्रैन एंजाइम मेडिएटेड उस वायरस इंफेक्टेड सेल का किलिंग करते। इसलिए इसमें हम नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू वायरस इंफेक्टेड सेल्स का किलिंग अगर देखें तो अगर नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करें तो वो MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करती है एंड फिर डिसीजन लेती है कि वो नॉर्मल सेल है या इंफेक्टेड सेल है। जनरली वायरस इंफेक्टेड सेल्स में MHC क्लास 1 को डाउन रेगुलेट किया जाता है, इसलिए वहां पे जहां पे MHC क्लास 1 नहीं है वहां पे NK सेल्स वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। एंड दूसरा हमने डिस्कस किया कि ADCC एंड ADCC में हमने देखा कि अगर एंटीबॉडी NK सेल को बताए वायरस इंफेक्टेड सेल्स के बारे में, एंटीबॉडी अगर एक तरफ से वायरस इंफेक्टेड सेल को बाइंड हो और दूसरी तरफ से NK सेल को बाइंड हो एंड अगर एंटीबॉडी अगर किलिंग करे, मतलब एंटीबॉडी NK सेल को एक्टिवेट करके NK सेल्स अगर वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल करे तो उसको बोलते हैं ADCC, दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये है ADCC का मैकेनिज्म। अब यहां पे एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि वायरस इंफेक्टेड सेल्स ने MHC क्लास 1 को डाउन रेगुलेट क्यों किया, MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन क्यों कम किया, डाउन रेगुलेशन क्यों किया, उसका रीजन क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो ये था नेचुरल किलर सेल्स का रोल। नेचुरल किलर सेल्स ये परफोरिन ग्रेन एंजाइम मेडिएटेड किलिंग करते, वायरस इंफेक्टेड सेल्स का किलिंग करते एंड नेचुरल किलर सेल्स इननेट इम्यूनिटी में काम करते, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है। एंड नेचुरल किलर सेल्स दो टाइप से वायरस इंफेक्टेड सेल को किल करते हैं, एक तो डायरेक्ट रिकॉग्निशन से अगर वो डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करे या वो ADCC करते और ADCC से वो वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल करते। सो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा, आपको समझ में आया है नहीं, एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना कि MHC क्लास 1 को वायरस इंफेक्टेड सेल ने क्यों डाउन रेगुलेट किया, रीजन, यस, किस सेल से बचने के लिए किया, यस। सो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।